ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नए लड़के हैं उससे ज्यादा। यह है मधुमिता पांडे जो 22 साल की थी जब वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में गई 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू करने, बस एक सवाल का जवाब देने के लिए कि रेपिस्ट रेप करते क्यों है। यही कहानी थी सैमुअल डी स्मिथमैन की जो 1976 में एक PhD स्टूडेंट थे। उन्होंने लॉस एंजलिस के अखबारों में एक एड डाला था, उनको लगा था कि कोई उनके एड का रिप्लाई देगा नहीं, पर एक्चुअली 200 लोगों ने दिया। ये कौन लोग थे? रेपिस्ट। सैमुअल ने फिर 50 लोगों का इंटरव्यू लिया और एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। मधुमिता और सैमुअल की कहानी मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि उनकी रिसर्च जरूरी है हमारे लिए ये समझने के लिए कि झारखंड में जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ क्यों। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. जुलाई 2023 को एक कपल जो मोटरबाइक व्लॉगर्स थे वो इंडिया आए पाकिस्तान बॉर्डर से। उन्होंने कहा, हेलो इंडिया, दुनिया ट्रैवल करने के 5 साल बाद हम फाइनली इंडिया आ चुके हैं। इस इंसिडेंट से पहले वो 6 साल से ट्रैवल कर रहे थे जहां वो 66 देश गए इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इंडिया में करीब वो 6 महीने से थे और उन्होंने 20,000 किलोमीटर कवर कर लिए थे। जो कपल था वो झारखंड होते हुए भागलपुर जा रहा था बिहार में। झारखंड के दुमका इलाके में कुमराहट गांव के पास उन्होंने एक टेंट सेटअप किया रात बिताने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उस रात उनके खिलाफ एक क्राइम कमिट किया गया। 28 साल की महिला का रेप किया गया और उनके हस्बैंड को बुरी तरह पीटा गया। झारखंड पुलिस का रिस्पांस बहुत तेज था, उन्होंने सारे अक्यूज को पकड़ लिया, कपल को फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दिया और अब वो कपल नेपाल जा चुका है। विक्टिम ने ये भी कहा कि इंडियंस का उनकी तरफ बिहेवियर अच्छा था, वो इंडियंस को ब्लेम नहीं करती बल्कि वो क्रिमिनल्स को करती हैं। जिस ट्वीट ने इस इंसिडेंट को वायरल बनाया उसको 200 मिलियन व्यूज मिल गए। हाँ, 200 मिलियन व्यूज। इसने एक डिबेट स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पर कि रेप्स तो कई देशों में होते हैं तो इंडिया का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है इतना। कुछ साल पहले एक थॉमसन रॉयटर्स पोल ने भी कहा था कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री है विमेन के लिए, अफगानिस्तान और सीरिया से भी बुरी। तो क्या इंडिया की सिचुएशन एक्चुअली इतनी बुरी है? कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में लड़के सेक्स स्टार्व्ड है इसी वजह से इतने रेप्स होते हैं, दूसरे लोग फेक रेप केसेस की बात करते हैं। तो सच क्या है? मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, स्पेशली एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शॉक कर सकती है। सबसे पहले हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी बुरी है दूसरे देशों के कंपैरिजन से। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से करीब 30% महिलाएं पूरी दुनिया में किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो 2022 में 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि वो हर दिन का हुआ 90 रेप केसेस, पर हमें ये बात भी समझने की जरूरत है कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री है, तो एग्रीगेट लेवल पर हर क्राइम पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए हमें पर कैपिटा बेसिस पर देखनी होगी। हमारे पास डेटा बस 2013 का है, वो है नंबर ऑफ रेप केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, और वो USA में है 27, UK में है 36 और स्वीडन में है 60। इंडिया में क्या है? बस 2.6। तो रेट के हिसाब से इंडिया में रेप की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग की। आपको हाथरस का केस याद है? A young woman from Uttar Pradesh was gang raped. Police apathy and negligence of a system led to her death yesterday. उस केस में विक्टिम ने इंसिडेंट के घंटों बाद पुलिस में स्टेटमेंट दर्ज करने की कोशिश करी थी। रेप हुआ था आपके साथ, कौन कौन थे? पर पुलिस ने ये किया ही नहीं। SR दारापुरी जो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि पुलिस ने ना कोई कंप्लेन लिखी और ना दर्ज किया कि विक्टिम क्या कहने की कोशिश कर रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2015 के डेटा के हिसाब से करीब 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस हमारे देश में अनरिपोर्टेड होते हैं। 85%। इसके कई रीजंस हैं। विक्टिम का लीगल सिस्टम में कोई विश्वास है नहीं, विक्टिम पर कई बार दबाव डाला जाता है कि वो रिपोर्ट ही ना करे केस, और कई बार पुलिस भी हाथरस के केस की तरह कोई कंप्लेन दर्ज ही नहीं करती। तो इस वजह से कई कंट्रीज में जहाँ रेप की रेट ज्यादा है वो बस इस वजह से नहीं है कि उधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि इस वजह से भी हो सकती है कि उधर इतना अच्छा लीगल सिस्टम है कि सारे क्राइम की रिपोर्टिंग होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि रेप की जो लीगल डेफिनेशन होती है वो अलग अलग हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे इंडिया में इसकी डेफिनेशन है
unlawful sexual intercourse against the will and without the consent of a woman. Indian Penal Code ने इसके बारे में और भी कई clarifications दी हैं. जैसे अगर consent ली गई हो पर लड़की की age 16 साल से कम हो, ब्लैकमेल या फिर धमकी देकर कंसेंट ली गई हो, या फिर एक ऐसी महिला से ली गई हो जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, तो इन सारी सिचुएशंस में कंसेंट कंसिडर नहीं करी जाएगी और सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक रेप बुलाया जाएगा। अगर दूसरे देशों से कंपेयर करोगे तो ये डेफिनेशंस अलग होती हैं। जैसे यूरोपियन देशों में अगर बिना कंसेंट के सेक्स होता है एक मैरिड कपल के बीच तो उसको रेप बुलाया जाता है, पर मैरिटल रेप इंडिया में लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम मैरिटल रेप को भी कंसिडर कर लेंगे इंडिया में, तो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से परसेंटेज ऑफ अनरिपोर्टेड केसेस हो जाते हैं 99%। इन रीजंस की वजह से इंडिया को जज करना उसके रेप के स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें दूसरे स्टेटिस्टिक्स पर नजर डालनी पड़ेगी। यह है एक सीन डार्क कॉमेडी मूवी डार्लिंग्स का, जो अनफॉर्चुनेटली कई वेमेन की स्टोरी है हमारे देश में। डोमेस्टिक वायलेंस को लीगल टर्म में क्रुअल्टी अगेंस्ट वेमेन बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स बुलाया जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड क्राइम्स है इंडिया में। 32% इंडियन मैरिड वेमेन ने कहा कि कभी ना कभी उनको फिजिकल, सेक्सुअल या फिर इमोशनल वायलेंस सहना पड़ा है अपने हस्बैंड से। ये परसेंटेज यूके में 24% है और यूएस में 24.3%। पर कई कंट्रीज की इंडिया से भी खराब सिचुएशन है, जैसे बांग्लादेश में नंबर 65% है। हम पब्लिक हरासमेंट के स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। 80% इंडियन वुमेन ने कहा कि उनको पब्लिक हरासमेंट झेलनी पड़ती है इंडियन शहरों में। ये नंबर यूएस में 77% है, यूके में 71% और अफगानिस्तान में 93%। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि इंडिया की सिचुएशन सबसे बुरी नहीं है पूरी दुनिया में, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ करें ना। इस चीज के लिए ही हमें समझना होगा कि रेप होते क्यों हैं, और इस चीज को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि एक रेपिस्ट की प्रोफाइल होती क्या है। इंडियन रेपिस्ट की प्रोफाइल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि रेपिस्ट का रिलेशनशिप क्या है विक्टिम के साथ। 2022 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 97% केसेस में रेपिस्ट एक नोन आदमी होता है विक्टिम का। 97% केसेस। ये है एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री झारखंड के बेरू डिस्ट्रिक्ट से। रंजीत एक किसान थे जो अपने परिवार के साथ एक शादी अटेंड करने जाते हैं। रंजीत तो घर टाइम पर आ जाते हैं, पर उनकी 13 साल की बेटी को डिले हो जाता है। रात के 1:30 बजे वो घर पहुंचती है बहुत बुरी हालत में। पता चलता है कि लड़की का रेप हुआ था उसके कजन से। अब वो नादानी में गलती कर दिया तो क्या करे, उसको काट के फेंक दे। ये चीज इंडिया में ही नहीं है, बल्कि अमेरिकन रिसर्च ने भी दिखाया है कि उधर भी विक्टिम यूजुअली रेपिस्ट को जानती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि मोस्ट रेपिस्ट यंग होते हैं। बेंगलुरु की एक रिसर्च ने दिखाया कि मोस्ट रेपिस्ट की एज 21 से 30 ईयर्स की होती है। ऐसी ही चीज दूसरे देशों में भी पाई गई। इनफैक्ट ये ग्राफ है यूएस से, जिसने दिखाया कि जो मोस्ट क्राइम्स कमिट होते हैं वो यंग लड़के ही करते हैं। ये भी कोई इंडिया स्पेसिफिक चीज नहीं है, और इस पर भारी रिसर्च हो चुकी है। मेन फैक्टर है पीयर प्रेशर का। लड़कों पर बहुत प्रेशर होता है अपने दोस्तों से एक मैन बनने का, बी अ मैन, जिसमें आते कई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स जिसका अंजाम रेप होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि मोस्ट रेपिस्ट की लो लेवल ऑफ एजुकेशन होती है। जैसे जब मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल के रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया तो कई तो 3rd और 4th क्लास में ही ड्रॉप आउट हो गए थे। अब ऑब्वियसली 122 का सैंपल साइज बहुत कम है, पर दूसरे देशों में भी ऐसा ही देखा गया है। जैसे साउथ अफ्रीका में आधे रेपिस्ट ने ही प्राइमरी स्कूल पास किया था। अब एक कारण ये भी होता है कि जिनके पास एजुकेशन नहीं होती उनके पास पैसा भी नहीं होता, इस वजह से उनको ढंग की लीगल हेल्प भी नहीं मिलती। इसी वजह से पूरी दुनिया में मोस्ट लोग जो जेल जाते हैं वो अनएजुकेटेड और पुअर होते हैं। अब आता है सवाल कि रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं? इस चीज का आंसर जानने के लिए एक तरीका है, रेपिस्ट से डायरेक्टली पूछ लो। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, लड़के हैं उससे ज्यादा। यही किया था मधुमिता पांडे ने। मधुमिता को पता चला कि कई रेपिस्ट की ऐसी सोच है। आई एम नॉट अ रेपिस्ट, यस आई हैड सेक्स, आई डिड नॉट टेक कंसेंट फॉर इट और व्हाट इज कंसेंट और नो, आई वाज नॉट श्योर दैट शी वाज सेइंग नो। उन्होंने एक 49-year-old रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया जिसने एक 5 साल की लड़की का रेप किया था और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब से मधुमिता दंग रह गई। उस रेपिस्ट ने कहा कि उस लड़की का कैरेक्टर बुरा था जिस वजह से उसको पनिश करना जरूरी था। मधुमिता ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा,
तो उस रेपिस्ट ने कहा, हाँ मुझे बुरा लगा, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो वर्जिन नहीं है और कोई उससे शादी नहीं करेगा, पर जेल के जाने के बाद मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत गहरा सेंटेंस था जिसने रेपिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में हमें कुछ दिखाया कि रेपिस्ट को बुरा लगा, पर इसलिए नहीं कि उसने उसका रेप किया, बल्कि इस चीज के लिए कि अब उस लड़की की शादी नहीं होगी, जो हमें दिखाता है कि किस लेंस से रेपिस्ट समाज की तरफ देखते हैं। प्रोफेसर मेरी कॉस ने भी जब कई रेपिस्ट से पूछा कि क्या आपने जबरदस्ती करी थी अपने विक्टिम के साथ, वो कहते हैं हाँ, पर क्या आपने रेप किया था, वो बोलते हैं नहीं। रेपिस्ट के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सभी कहते हैं कि रेपिस्ट को कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो विक्टिम पर दोष डालते हैं। इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जयदीप सरकार ने कई रेपिस्ट की मेंटल हेल्थ एनालिसिस करी, जहां उन्होंने कहा कि कई रेपिस्ट का मानना था कि कई बार एक आदमी की सेक्सुअल अर्ज एक डेंजरस लेवल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ रेपिस्ट ने कहा कि अगर मेरा सीमेन वेस्ट हो गया तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, और इस कमजोरी को रोकने के लिए एक लड़की को अपने आप को ऑफर करना चाहिए। अब आप भी ऐसी बातें सुनकर शॉक हो गए होंगे। तो रेपिस्ट से हमें डायरेक्टली आंसर नहीं मिल रहा। रिसर्चर्स कहते हैं कि दो थ्योरीज हैं जो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, पहली है एवोल्यूशनरी और दूसरी है सोसाइटल। साइकियाट्रिस्ट जेम्स ए ब्रसल ने 1968 में कहा था कि कोई भी पैदा नहीं हुआ होता रेप कमिट करने के लिए, पर पोटेंशियल फॉर रेप हर आदमी में होती है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कई साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि एक आदमी रेप करता है एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से। चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज करी थी। उनका मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना मेट चूज करता है कई स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर, इसलिए कई एनिमल्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं एक फीमेल के साथ मेट करने से पहले, ताकि फीमेल कन्विंस हो जाए कि जो मेल ऑर्गेनिज्म को वो चूज कर रही है वो स्ट्रांग है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि यही चीज ह्यूमंस में भी होती है, जहाँ विमेन चूज करती है उन मर्दों को जिनका स्ट्रांग बिल्ड होता है, ताकि वो उनको और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि आदमी चूज करते हैं उन औरतों को जिनकी हिप्स और ब्रेस्ट बड़ी होती है, जो एक इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी का। एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म का पर्पस है कि उनका जीन फैले, जिस चीज के लिए वो कई रिस्की चीजें भी करते हैं। और जो लोग रेपिस्ट की साइकोलॉजी के लिए एवोल्यूशनरी थ्योरी यूज करते हैं, वो कहते हैं कि रेपिस्ट भी यही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट रेप की विक्टिम्स 18 से 30 साल की उम्र में होती है। इंडिया का अगर हम 2022 का डेटा देखें तो 66% विक्टिम्स इस एज ग्रुप में थी, पर ये एवोल्यूशनरी थ्योरी कई जगह फेल हो जाती है। जैसे 2022 में 112 लड़कियों का रेप हुआ था जिनकी उम्र 12 साल से कम थी, और 1000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ था जो 45 ईयर से ज्यादा थी। ये वेमेन तो पीक फर्टिलिटी में नहीं थी, इसी वजह से कई रिसर्चर्स कहते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी को यूज करना एक बहाना होता है किसी भी सोसाइटी के लिए ये कहना कि हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ह्यूमन बीइंग्स में है। ये चीज कई लोग यूज भी करते हैं एक रेपिस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि रेपिस्ट कैसा दरिंदा था, एक मॉन्स्टर था, एक जानवर था। इससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि वो आदमी ही जानवर था, हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो उल्टा कहती है कि एक आदमी रेपिस्ट बनता है अपने समाज की वजह से। मुकेश सिंह एक कन्विक्टेड रेपिस्ट थे निर्भया कांड में। साल 2012 दिसंबर की एक रात चलती बस में निर्भया नाम की एक लड़की के साथ रेप हुआ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। ऐसे ही व्यूज हमारे सोसाइटी में भी है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। इसलिए कई लोग कहते हैं कि इधर सोसाइटी की गलती है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो वो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं वो गलत है। कई लोग बोलते हैं कि रेप्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो लड़के हैं हमारे समाज में वो सेक्स स्टार्व्ड है, सेक्स की भूख है। पर मधुमिता और दूसरे लोग की रिसर्च ने दिखाया है कि ये गलत है। रेप सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि वो पावर और डोमिनेशन के बारे में है। रेप एक टूल है लड़कों के लिए लड़कियों को कंट्रोल करने का। ऐसे ही ट्रेडिशनल व्यूज कई पॉलिटिकल लीडर्स के होते हैं। लड़के हैं गलती हो जाती है तो भी फांसी दे दी बंबई में। जैसे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़कों से गलतियां होती रहती हैं, फांसी पर डालने की क्या जरूरत है। 2012 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि रेप्स इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं। भागवत said such crimes hardly take place in Bharat, but they occur frequently in India. इसकी ट्रांसलेशन यह है कि अगर लड़कियां बस ट्रेडिशनल चीजें करें तो उनको कुछ नहीं होगा, जैसी वो मॉडर्न बन जाती हैं
छोटे कपड़े पहनती हैं, पैसे कमाने लग जाती हैं, घर के बाहर जाती हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं, नहीं, पहले नहीं होते थे। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। आई एम श्योर उस स्पेनिश लड़की की फोटो देखकर कई लोग ये बोलेंगे, अगर कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनेगी तो रेप तो होगा ही। पर इन सारी चीजों के पीछे मेन कारण है जिस तरीके से लड़कियों के बारे में सोचा जाता है हमारे समाज में। किसी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कों और लड़कियों का स्टेटस अलग अलग होता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। हाँ। किसी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में बोला जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकती और इसी वजह से उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं वापस बोलता हूँ, इन समाजों में बिलीफ ही होता है कि लड़कियां कमजोर हैं, वो इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकती, इसी वजह से उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो गलतियां कर बैठेंगी। मेल को ही ज्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे। तो जब ये कंट्रोल करने की डिजायर बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है सेक्सुअल वायलेंस। और इस कंट्रोल के कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे 80% महिलाओं को आज भी परमिशन लेनी पड़ती है एक हेल्थ सेंटर जाने से पहले। करीब आधी महिलाएं एक बार भी अपने घर से बाहर नहीं जाती एक दिन में। पेट्रियार्की की एक यूनिक चीज ये है कि कई विमेन भी इन बातों में विश्वास करने लग जाती हैं। मर्द तो ऊपर हो गए, जनानी तो नीचे ही आ गया, चाहे किसी ये बड़ी हो किसी ये नीचे। इसी वजह से 29% इंडियन विमेन मानती हैं कि एक हस्बैंड के लिए अपनी बीवी को मारना ठीक है अगर वो बीवी घर से बाहर चली जाती है बिना बताए। 14% विमेन कहती हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है अगर वो सेक्स करने से मना कर देती है। इस कंट्रोल की वजह से ही पब्लिक स्पेसेस में इंडिया में आपको ज्यादा लड़कियां मिलेंगी ही नहीं। जब मेरे एक अंकल वियतनाम गए, उनका रिस्पांस था इधर तो लड़कियां भी टैक्सी चलाती हैं, क्योंकि इंडिया में पब्लिक स्पेस में आपको लड़कियां दिखती ही नहीं है, जिस वजह से पब्लिक स्पेस और अनसेफ हो जाती है लड़कियों के लिए। इस सारी चीज की जड़ है एक एटीट्यूड जहाँ लड़कियों को कंट्रोल करना जरूरी है। ये मैंने अपने घर में भी देखा है, जहाँ मुझे मेरी बहन के कंपैरिजन से बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। सेक्सुअल वायलेंस लड़कियों पर डोमिनेशन करने के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को एक सबक सिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे पार्टीशन के बाद सेक्सुअल वायलेंस किया गया दूसरी कम्युनिटी की इज्जत कम करने के लिए। यही चीज हमें मणिपुर में भी देखी और यही चीज हमें देखने को मिली रोहिंग्या वायलेंस में म्यांमार में। Again and again, women and girls as young as 14, 16 years have described how they've been grabbed by military men and brutally raped. पर नुकसान तो लड़कियों का ही होता है। जैसे रिसेंटली बंगाल के संदेश खाली में 55 दिन के बाद टीएमसी लीडर को अरेस्ट किया गया सेक्सुअल वायलेंस के चार्जेस पर। रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पार्टी लीडर शेख शाहजहां इज नाउ बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। कई लड़कों के जो दिमाग में होता है कि लड़कियां कमजोर होती है वो चले भी जाएगा एक्सपोजर थेरेपी से, यानी कि अगर वो लड़कियों से बातचीत करेंगे, पर ये ना हमारे समाज में होता है, ना स्कूल में, ना घर में। यह है दिल्ली के पास एक गांव उचेरा, जहां हर घर के बाहर कमरे हैं जिनको बैठक कहा जाता है। दिस बैठक इज लाइक अ कॉमन रूम दैट बिकम्स द स्लीपिंग क्वार्टर्स फॉर द अनमैरिड बॉयज ऑफ द फैमिली। इन लड़कों को अपने घर में घुसना अलाउड नहीं है। ये लड़के अपने घर में तभी घुस सकते हैं अगर वो खाना खाना चाहते हैं या फिर कोई इमरजेंसी हो। एक किस्म का मतलब कंट्रोल है, गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी मनमा जहाँ जाके ठुक जाएगी, तो यही आदमी की ब्रेक ही समझो इन बातों में। लड़कियों को देखने की बात तो छोड़ो, जब लड़कियों से बात ही नहीं हो रही अपने ही परिवार में तो जो मिसकंसेप्शन है दिमाग में वो कैसे जाएंगे। यही चीज हम स्कूल में भी देख सकते हैं। जैसे एक रिसेंट वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में स्कूल कॉरिडोर में सीसीटीवी लगा दिए गए ये देखने के लिए कि लड़के और लड़कियां बात तो नहीं कर रहे। 95% इंडियन स्कूल्स कोएड जरूर हैं पर एक साथ बैठना अलाउड नहीं है लड़कों और लड़कियों को, क्योंकि बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस होता है कि बहुत मिसकंसेप्शन नॉर्मलाइज हो जाते हैं किसी के भी दिमाग में। कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से इसी वजह से कई लड़कों को लगता है कि एक लड़की ने स्माइल कर दी तो वो इनविटेशन दे रही है। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी तरह आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। इन एटीट्यूड्स को रीइंफोर्स किया जाता है हमारी फिल्म से, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु। आखिर तुम समझते क्या हो? यही कि तुम उसे बेहद प्यार करती हो। तेरा सर, सबने बीवी तुझसे प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। या फिर हिंदी। वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।
हमारी फिल्म्स की अब हालत सोचो ये है कि इन फिल्म्स ने स्टॉकिंग को ही रोमांटिक बना दिया, चाहे अक्षय कुमार हो या फिर शाहरुख खान। बड़े बड़े स्टार्स ने इंडियन लड़कों को प्यार करना सिखाया है, जहां ना का मतलब ना नहीं है बल्कि हाँ है। अब आप में से कई लोगों को ये बहुत छोटी सी चीज लगेगी, पर कई रेपिस्ट ने ये चीज यूज करी अपनी जस्टिफिकेशन में, जहां वो बोलते हैं कि एक लड़की समझ नहीं पाती कि वो चाहती क्या है, इसे जब वो ना भी बोल रही है वो एक्चुअली ना नहीं बोल रही बल्कि वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही है और वो सेक्सुअल इंटरेक्शन चाहती है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे तो मूवीज तो एंटरटेनमेंट के लिए होती ना, सब जानते कि जो चल रहा है वो फेक है, वो मूवी देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। पर कितनी सारी रिसर्च हुई है ये दिखाने के लिए कि किसी का भी पर्सपेक्टिव बदलता है मूवी से, टीवी शो से, जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, पहनते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने दो महिला को स्टॉक किया था, एक महिला को उन्होंने 18 महीने तक स्टॉक किया। जज ने पूछा क्यों, लड़के ने कहा कि मुझे लगा ये बहुत नॉर्मल चीज है क्योंकि बॉलीवुड फिल्म्स में ऐसा होता रहता है। बॉलीवुड फिल्म्स इतनी मिसोजिनिस्टिक है दो चीजों की वजह से। पहली बात है ऑडियंस। इन मूवीज की 61% मूवी गोइंग ऑडियंस मेल है, तो अगर उस ऑडियंस को केटर करना है और उनके बिलीव्स कंजर्वेटिव हैं तो चेंज करने की क्या जरूरत है। और दूसरी चीज है कि इन मूवीज को बनाते भी मोस्टली मेन ही है। 2021 की रिसर्च ने दिखाया कि बस 10% इंडस्ट्री रोल्स जैसे एडिटिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी में वेमेन इन्वॉल्व है हमारे देश में। तो अगर मूवी बनाने में लड़कियां इन्वॉल्व है ही नहीं तो ऐसा ही कंटेंट बनेगा। अब ऑब्वियसली हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मेरा एक फेवरेट कोट है इंडिया के बारे में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जोआन रॉबिन्सन ने किया था, व्हाटएवर यू कैन राइटली से अबाउट इंडिया द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। ये चीज रेप के बारे में भी है हमारे देश में। कई लोगों के ऐसे व्यूज हैं जिससे आपका खून खौलेगा, पर ऐसा सब लोग नहीं सोचते। प्यू रिसर्च ने दिखाया कि मोस्ट मेन और वुमेन मानते हैं कि लड़कियां अच्छी पॉलिटिकल लीडर्स बन सकती हैं और उनको एक फैमिली की फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। पर इन्हीं व्यूज में कई कॉन्ट्रडिक्शन भी है। जब लोगों से पूछो कि वो इक्वल राइट चाहते हैं लड़के और लड़कियों के लिए, सब बोलते हैं हाँ, पर 90% ये भी कहते हैं कि वाइफ्स को अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं, चलेगा ही नहीं हमारे घर में तो। मतलब आपने मतलब औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। तो इक्वल राइट्स होनी चाहिए, पर वाइफ को हस्बैंड की बात हर बार माननी चाहिए। ये जेंडर एटीट्यूड सबसे बुरे थे मुस्लिम्स के बीच और बेस्ट थे सिख समाज में। ये मत समझना कि साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत अच्छी हालत है। हाँ, वो थोड़ी बहुत बेटर जरूर है नॉर्थ इंडियन स्टेट से, पर 75% ये जरूर मानते थे साउथ इंडिया में कि वाइफ को हस्बैंड की बात माननी चाहिए। अब हर बार जब बड़ा इंसिडेंट होता है हमें लगता है कि अब सिचुएशन चेंज होगी, पर सिचुएशन इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि हमारा फोकस ही गलत रहता है। हम बस ये बोलते रहते हैं कि पनिशमेंट बढ़ा दो, रेपिस्ट को मार दो, फांसी पर चढ़ा दो या फिर कैस्ट्रेट कर दो। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. देखो, मिडिल ईस्ट कितना सेफ है, उधर शरिया लॉ जरूर है, पर उधर रेपिस का सर ही काट दिया जाता है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लॉजिक ही गलत है। इसके तीन रीजंस हैं। पहला, याद रखना कि 97% केसेस में रेपिस एक नोन आदमी होता है विक्टिम का। तो अगर आपको पता है कि एक कंप्लेन फाइल करने के बाद अगर कन्विक्शन मिल गई तो फांसी चढ़ा दी जाएगी रेपिस को, आपको लगता है कि कंप्लेन दर्ज होगी? एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कई बार लड़कियों पर दबाव डाला जाता है कि अगर उन्होंने रेप केस डाल दिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं आगे जाकर फेक रेप केसेस की जरूर बात करूंगा, पर ये सोचने की चीज़ है कि पनिशमेंट बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा लड़की पर। दूसरी चीज़ है कि कई एक्टिविस्ट ने कहा है कि अगर पनिशमेंट बढ़ा दी तो उल्टा इंसेंटिव बढ़ जाता है रेपिस्ट के लिए विक्टिम को मारने का। अगर छोड़ दिया तो लड़की रिपोर्ट कर देगी और डेथ सेंटेंस हो सकती है, इसलिए मार ही दो। इनफैक्ट 141 कंट्रीज के एविडेंस ने दिखाया है कि कैपिटल पनिशमेंट हटाकर रेप के केसेस बढ़े नहीं थे, उल्टा घट गए थे। ये इसलिए होता है क्योंकि क्राइम करने की प्रोबेबिलिटी बस सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट पर भी निर्भर करती है। ये मैं आपको इक्वेशन के रूप में समझाता हूँ। एक क्रिमिनल के दिमाग में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक है पनिशमेंट कितनी स्ट्रिक्ट होगी और दूसरा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पकड़े जाएंगे। हम लोग बस पनिशमेंट पर ही फोकस करते हैं कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, पर हम ये भूल जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी भी मैटर करती है। इनफैक्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट डैनियल नेगर ने कहा कि क्राइम को कम करने का बेस्ट तरीका है प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना,
ना कि पनिशमेंट को। और रही सऊदी अरेबिया की बात, तो उधर ऐसा नहीं कि रेप्स कम है, रिपोर्टेड रेप्स कम है, क्योंकि उधर वुमेन के पास इतनी एम्पावरमेंट ही नहीं है कि वो कंप्लेन कर सके। सऊदी कोर्ट्स के हिसाब से एक रेपिस्ट को कन्विक्ट करने के लिए 2 मेल आई विटनेसेस होने चाहिए। अब एक रेप के केस में 2 मेल आई विटनेसेस कहाँ से आएंगे लड़की की साइड में? लड़कियों को बोलना कि वो छोटे कपड़े ना पहने या फिर देर रात बाहर ना जाए एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी होगा जब हमारी सोसाइटी में बिलीव्स बदलेंगे, पर थैंकफुली कई ऑर्गेनाइजेशन ये करने की कोशिश कर रही है। पर इन चीजों पर पानी फेर देते हैं फेक रेप केसेस। हमें भरोसा था कि जो हमने नहीं करा है वो हमारा झूठा साबित होगा, आज नहीं कभी होगा, 20 साल में होगा या 21 साल में होगा, हम तो ये ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे, वो हुआ भी। जैसे ये हैं विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश से, जो 23 ईयर्स के थे जब सितंबर 2000 में वो कन्विक्टेड हुए थे एक रेप के लिए, पर 20 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनको एविडेंस मिला नहीं इस चीज के लिए। विष्णु ने कहा कि ये एक लड़ाई थी हमारी जमीन के लिए, मैंने कभी लड़की से बात नहीं करी थी, उनको बस पैसा चाहिए था। और विष्णु ऐसे अकेले आदमी नहीं है, तो फेक रेप केसेस की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2022 में 45,000 रेप केसेस थे, पर कन्विक्शन रेट बस 27.5% थी, यानी कि 75% से ज्यादा केसेस में कोई कन्विक्शन नहीं हुई। अब ये 2 चीजों की वजह से हो सकता है। पहला है कि लड़की पर दबाव डाला जाता है जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट बदल देती है, और दूसरी है कि ये रेप केस ही फेक होते हैं। डेटा जर्नलिस्ट रुक्मणी श्रीनिवासन ने 2013 में 500 रेप केसेस को स्टडी किया था। उन्होंने कहा कि 25% केसेस में पेरेंट्स लड़की के बिहाफ पर रेप केस फाइल कर रहे थे क्योंकि लड़की घर छोड़कर भाग गई थी एक लड़के के साथ, तो यानी कि 25% केसेस तो उधर ही फॉल्स हो गए। जयपुर के डेटा ने दिखाया कि 330 रिपोर्टेड रेप केसेस में से 43% फॉल्स थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने कहा, The rape laws were being misused in this country, there is no doubt about it. और अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजों की वजह से एक सीरियस इशू जो सेक्सुअल वायलेंस का है उस पर भी डिबेट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है, इसलिए वो लड़की जिसका केस रियल है उस पर भी डाउट्स आएंगे लोगों के। इस प्रॉब्लम के बावजूद कई लोग इंडिया की सेक्सुअल वायलेंस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में एक एनजीओ ब्रेक थ्रू जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया तारों की टोली, जिससे वो स्टेट के सरकारी स्कूल्स में बच्चों के साथ ओपन डिस्कशन करते हैं जेंडर रोल्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सेशंस आधे घंटे के लिए करे और काम खत्म, बल्कि 2.5 साल के लिए ये सेशंस किए गए हैं जिनका इम्पैक्ट देखने को मिला है। रिसर्च ने दिखाया कि जिन बच्चों को ये प्रोग्राम दिया गया उनका एटीट्यूड और प्रोग्रेसिव बन गया। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और वो पढ़ना चाहती है अब भी, पर उनके जो पति है ना वो मना कर रहे हैं। अगर मैं तारों की टोली से थोड़े से दिन पहले और जुड़ी होती ना तो वो आज पढ़ रही होती। पर अगर हम हमारे समाज को चेंज करना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। फांसी की मांग करने से एक शॉर्ट टर्म बूस्ट ज़रूर मिल जाता है, पर याद रखना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम से ही आएगा।